हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आपको सैर करवाने वाले हैं बिजली महादेव, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही फेमस टेंपल है, ट्रैकिंग है यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की। तो पंडित जी भी आप सबको हाय बोल रहे हैं, और साथ में हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है इस मंदिर की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उस पर हर 12 साल के बाद जो है वो बिजली गिरती है, और उसके बाद ये शिवलिंग जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ के जो पुजारी हैं वो गाय के दूध से जो मक्खन निकलता है उससे इस शिवलिंग को दोबारा से जोड़ा जाता है, और दोबारा ये जो शिवलिंग है ये अपनी शेप ले लेता है और फिर से वैसा ही हो जाता है जैसे ये पहले जुड़ा हुआ होता है। आप बात कीजिए। तो आज आपको कंप्लीट इसके बारे में बताएंगे। हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलते हैं, करते हैं आज का हमारा सफ़र शुरू। तो सबसे पहले आपको व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद हम चलेंगे मंदिर वाले ट्रैक पे। लगभग 2.5 से 3.25 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ सामने से ही है पैदल रास्ता शुरू। तो यहाँ पेड़ पार्किंग भी है, वैसे भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और करेंगे आज का हमारा सफ़र शुरू। तो सभी जयकारा लगाएंगे हर हर महादेव का। कमेंट में आप लिख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल शक्तियों में से एक शक्ति माना जाता है बिजली महादेव को। तो बहुत ही खूबसूरत आपको पूरे कुल्लू का व्यू जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगा, जो इस तरह से है। ये है ट्रैवल हिमाचल गर्ल यशिका, ये है ट्रैवल हिमाचल पूजा, साथ में है उसकी मम्मी। सांस फूल रही है, चढ़ाई काफ़ी है, आपका योगा एक्सरसाइज ही आपका काम आता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच में से रास्ता है बिजली महादेव के लिए, हिमाचल प्रदेश के सबसे फेमस पवित्र और खूबसूरत जगहों में से एक जगह है बिजली महादेव। इसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में भी गिना जाता है। और ये जो मंदिर है, बता देती हूँ, ब्यास और पार्वती नदी का जो संगम स्थल है, यानी कि जहाँ पे दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो उसी पहाड़ के ऊपर जो है सामने आपको दिखाई देगा बिजली महादेव का ये मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक और शक्तिशाली मंदिरों में से एक मंदिर जो है, और रहस्यमय मंदिरों में से भी एक मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर 12 साल बाद जो है इस मंदिर पर बिजली गिरती है और उससे जो महादेव का शिवलिंग है वो जो है छोटे छोटे कंकड़ों में जो है वो बिखर जाता है। तो यहाँ इस तरह से रास्ते में आपको बच्चे दिखेंगे जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद जो है वो खरीद सकते हैं। और ये ट्रैक आपको ऊपर की तरफ ऐसे ही सीधा दिखाई देगा। अच्छा रास्ता है, कोई टफ ज़्यादा नहीं है, इजीली जो है आप ऊपर पहुंच सकते हैं। आई थिंक 1.5-2 घंटे में, अगर आप धीरे धीरे भी चले हैं तो भी बड़े आराम से आप मंदिर में जाके दर्शन करके वापिस 1.25 घंटे में आप नीचे जो है वो पहुंच सकते हैं। तो मंदिर की स्टोरी आपको बता देती हूँ। लगभग 2460 मीटर की हाइट है सी लेवल से ये जो मंदिर है इसकी। और ये जो मंदिर है यहाँ से पूरे कुल्लू का व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जो है ये मॉडर्न रास्तों में गिना जाता है, क्योंकि पुराना रास्ता जो था वो बहुत ही टफ था और इस मंदिर तक पहुँचना जो था वो काफ़ी मुश्किल माना जाता था पहले। लेकिन अब थोड़ा ट्रैक कम हो गया है दूसरी साइड से अगर घूम के आए तो, लेकिन पहले ऐसा कहा जाता है, यहाँ जो लोकल थे वो कहते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर के आसपास रास्ता पड़ जाता था जब ये वाला रास्ता नहीं था, तो यहाँ पर पहुँचना जो था काफ़ी ज़्यादा टफ था।
तो यहाँ से जो आपको ऊपर टेंट दिख रहे हैं येलो कलर के, यहाँ से भी ऊपर जाके ये मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तक सड़क बनना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि महादेव ऐसा नहीं चाहते हैं कि यहाँ तक जो है गाड़ियों का शोर और लोगों का शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो। और वैसे भी ये मंदिर जो है बता दूं 15 दिसंबर के आसपास जो है बंद हो जाता है, और शिवरात्रि के आसपास जो हैं इस मंदिर के कपाट जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप दिसंबर जनवरी फरवरी में यहाँ आने का मन बना रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई होती है, बट उस टाइम पे ये मंदिर जो है वो बंद रहता है, तो कपाट खुले नहीं होंगे, मंदिर के बाहर से ही आपको वापस जो है वो आना पड़ेगा। तो ये अभी हम ऊपर पहुंचने वाले हैं मंदिर में, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से सारा जो है आप देख सकते हैं। यहाँ से भी मेरे ख्याल से आधा पौना किलोमीटर ऊपर ही था मंदिर। शिवरात्रि का फेयर जो है बड़े धूमधाम के साथ जो है यहाँ मनाया जाता है। फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं बिजली महादेव। 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है कुछ इस तरह का, जैसे मैंने पहले भी दिखाया, और अभी बस यहाँ पे ऊपर मंदिर है। तो अभी करते हैं बिजली महादेव जी के दर्शन। मेरे साथ कौन है? यशिका से आए, बाकी जो हैं कुछ आगे गए हैं। ईशानी सबसे आगे है, उसको कोई नहीं पकड़ पाया अभी तक, और हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि मम्मी पीछे हैं। तो ये है पूरी लोकेशन मंदिर पहुंचने से पहले, बहुत ही सामने आप देख रहे हैं बिजली महादेव मंदिर। और यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है। ये तो ये है ऊपर मंदिर, जो आप देख सकते हैं ज़मीन से कितनी हाइट पर जो है वो बनाया गया है। मंदिर की स्टोरी बता देती हूँ, यहाँ पर जो ये वाला एरिया है कुल्लू वाला, यहाँ पर कुलंत राक्षस हुआ करता था, जो ऐसा कहा जाता है कि जितना भी जीवन है धरती पर उसको ख़त्म करना चाहता था। इसके लिए उस राक्षस ने क्या किया था, एक बहुत बड़े सांप का जो रूप है वो धारण किया था, और जो ब्यास नदी है उसका जो फ्लो है उसको रोककर घाटी को, जो ये पूरी कुल्लू की घाटी है इसको जलमग्न जो था वो करना चाहता था। लेकिन ऐसा करते देख महादेव प्रकट हुए थे यहाँ, और उनकी जो थी फाइट हुई थी इस सांप रूपी राक्षस के साथ। और उस टाइम पे जब महादेव ने उनको पीछे देखने को कहा था राक्षस को, और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था, तो उस टाइम ऐसा कहा जाता था कि महादेव ने इस राक्षस के सिर पे बार किया था, और उस बार से जो था ये राक्षस मर गया था, और उसी राक्षस का शरीर जो है उसने इस पहाड़ का रूप ले लिया था, जिस पर आज बिजली महादेव जो है मंदिर जो है वो स्थापित हुआ है। और उसके बाद से जो थे भगवान भोलेनाथ ने भगवान इंद्र को ये आदेश दिया था कि हर 12 साल के बाद जो है यहाँ इस पहाड़ के ऊपर बिजली गिरेगी, और वो बिजली जो है वो महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो शिवलिंग है वो विखंडित हो, मतलब खंडित हो जाता है, और उसके बाद यहाँ के पुजारी जो हैं वो मक्खन के साथ जो है इस पूरे शिवलिंग को जोड़ते हैं, और धीरे धीरे जो है ये शिवलिंग दोबारा से उसी रूप में वापस आ जाता है जिस रूप में ये यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो आपको महादेव के दर्शन भी कराएंगे, और बहुत ही मतलब पावरफुल मंदिरों में एक मंदिर इसको काउंट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की इच्छा के बिना जो है
ये पूरी घाटी जो है इसमें एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता, यानी कि इतनी ज़्यादा मान्यता यहाँ पर लोगों में है। और शिवरात्रि के टाइम यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश, भीड़ भी होता है। अभी मैंने बता दिया कि मार्च तक जो है ये मंदिर बंद ही रहता है। अगर शिवरात्रि उससे पहले आ जाती है तो उस टाइम पे 2-3 दिन के लिए ये मंदिर जो है इसके कपाट जो है वो खोल दिए जाते हैं दर्शनों के लिए। अदरवाइज 15 मार्च के आसपास जो है इस मंदिर के कपाट जो हैं वो खुलते हैं, सामने आप दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग रूप में महादेव के। और आपको जितना देखने में छोटा ये शिवलिंग लग रहा है उतना छोटा ये शिवलिंग है नहीं, साइज में बहुत बड़ा ये शिवलिंग है। और ये मंदिर जो है अंदर से मिट्टी का और लकड़ी का बना हुआ है। तो ये मंदिर जो है इसमें शिवलिंग को माखन के साथ जो है दोबारा से जोड़ा जाता है, एक एक टुकड़ा जो है उसको बड़े ही प्यार के साथ जोड़ा जाता है। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ स्वयं वो हैं पुराने रूप में जो हैं वो आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह की स्टोरी है इस मंदिर की, और मान्यता है हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा, हालांकि जो है दुनिया में ही मान्यता है इस मंदिर की। परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर की, चारों तरफ से आपको दिखा देती हूँ। लकड़ी से बना हुआ है पूरा का पूरा ये मंदिर, थोड़ा सा यहाँ पर ये आप देख रहे हैं लकड़ी के, हमारे यहाँ बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में फट्टे, मतलब लकड़ी की पतली पतली स्लाइसेस जैसे होती हैं वो काट के डाली गई हैं चलने के लिए। तो जब हम चलते हैं इस पे तो थोड़ा हिलता भी है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि ये टूट जाएंगे। आराम से आप जो हैं यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा जो है वो कर सकते हैं। पूरे मंदिर का व्यू आपको मैंने दिखा दिया, और यहाँ से कुल्लू घाटी का जो व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से जो भुंतर एयरपोर्ट है कुल्लू का वो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखता है नीचे, वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ से जो कुल्लू का व्यू है वो कैसा दिखता है वो भी काफ़ी अच्छा और सुंदर है, क्योंकि टॉप पे है ये कुछ इस तरह का व्यू है पीछे वाली साइड का मंदिर का। और जब आप कुल्लू मतलब हमीरपुर या दूसरी साइड से इस साइड को आते हैं तो आपको नीचे पहाड़ी से ये टावर देखेंगे, तो ये आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये जो टावर वाली पहाड़ी है ये बिजली महादेव की जो है वो पहाड़ी है। यहाँ से आपको देखेगा पूरे कुल्लू का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, जहाँ से भुंतर एयरपोर्ट, आपको जो 4 लेन है वो, ब्यास रिवर, पार्वती रिवर, सारा का सारा व्यू जो है वो देखने को मिलेगा बहुत ही खूबसूरत सा। और पूरी पहाड़ियाँ आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी सामने कुल्लू की, तो बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। और मंदिर के पिछली साइड से आपको ये देखने को मिलेगा। ये है जी सक्षम ठाकुर कैफे बिजली महादेव, और ये है छोटी सी फैमिली मैगी का सेवन करते हुए। ये सासू माँ हैं, इनका 62वां खत्म हो गया जी, 62वां मोमोज टच पेंट हुआ। ओके शानी यशिका, तो ये है बिजली महादेव का आज का हमारा पूरा सफर। ट्रैक बहुत ही शांत है, ठंडा है और बहुत ही खूबसूरत है, पर थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि लोगों ने बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा जो है वो फेंका हुआ है, तो ऐसा पहाड़ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसे प्लेसेस पर अगर आप आते हैं भगवान से जुड़े तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लड आया था कुल्लू में उसको भी देवताओं के साथ जोड़कर जो था वो देखा गया था। तो आज के समय में इंसान जो है खुद ही प्राकृतिक आपदाओं को जो है वो न्योता देता है। ऐसे जो प्लेस हैं, प्राकृतिक प्लेस हैं, नेचुरल प्लेसेस हैं, उनमें कचरा फैला के। तो ये आज का हमारा सफ़र था। अगर आप ऐसे प्लेसेस पे आएँ तो प्लीज़ अपनी बॉटल जो है, यहाँ पे मैंने देखा हर 100 मीटर की दूरी पर जो थे डस्टबिन पड़े हुए थे, फिर भी बॉटल्स और कचरा जो था बाहर ही लोग फेंक के जा रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो औरों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि और लोग भी ऐसे प्लेसेस को देख सकें, इनके बारे में जान सकें, ऐसे प्लेसेस की हिस्ट्री के बारे में जान सकें। तो मिलेंगे एक नए प्लेस के साथ। थैंक यू।
और कमेंट में आप जो हैं वो हर हर महादेव लिख सकते हैं, हर हर महादेव।